नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त राकेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ छोटी मोटी अनबॉक्सिंग। यहां पे हम लोग करने वाले हैं चार चीजों की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा, जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो आइटम है वो है, तो वो ये है, ये हमारे पास फ्लिपकार्ट से आया। फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, कर देते हैं इसको बाहर। काफी अच्छे से पैकिंग करके भेजा इन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी है कुछ यूनफिंग करके, 1288 मॉडल है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो कमाल का होने वाला है हमारे पास। सबसे पहले मिल जाता है हमारे पास ये क्लिप होल्डर, और दूसरा मिलता है हमारे पास ये चार्जिंग के लिए सिंपल सा एक केबल। इसको आप इसमें लगा के, फोन के अडेप्टर में लगा के इसको आप चार्ज कर पाएंगे। ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और सेल्फी स्टिक को कंट्रोल करने काम आएगा। यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। उसके बाद ये बन चुका है हमारा सेल्फी स्टिक। ये दोस्तों मैंने ऑफलाइन लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे मिला नहीं, मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ा फ्लिपकार्ट से। तो इसका जो 40 रुपीज डिलीवरी चार्ज मिला के मुझे पड़ा 775, यानी कि 775 रुपए का ये पड़ा है। तो ये क्या करता है, लगभग 600 ग्राम तक की चीज को होल्ड कर सकता है, यानी कि छोटे मोटे आपके जो DSLR आते हैं उसको भी आप इस पर लगा सकते हैं। ये है इसकी हाइट, काफी लंबी हाइट है। ये देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये यहाँ तक पहुंच जा रहा है। और जाहिर सी बात है, कहीं जाने के लिए हमें एक बैग चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बैग चाहिए जिसको हम आसानी से कैरी कर सके। तो ये है दोस्तों मेरे पास एक बैग, ये हमारे पास सफारी का है। मैंने बैग कई देखे, अमेरिकन टूरिस्टर का देखा, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया क्योंकि वहां मजबूती नहीं मिल रही थी। इसकी जो हमारे पास ये जिससे बना है, ये भी काफी खूबसूरत लगता है, दिखने में मजबूत है। अब दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कुछ और अच्छी अच्छी वीडियोस देने की, आउटडोर शूटिंग करने की, बाहर जाके शूट करने की, तो उसके लिए बैग तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बैग परचेस किया है। ये बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और दोस्तों, ये बैग मुझे पड़ा है 2799 रुपीज का, यानी कि 2800 रुपए का ये बैग मुझे मिला है। और ये जो सेल्फी स्टिक है, इसको भी आप आराम से इस बैग में रख पाएंगे। और दोस्तों, एक मैंने इसको खरीदा, ये मैंने ऑफलाइन मंगाया है, मतलब ऑफलाइन मार्केट से जाके खरीदा। ये मुझे पड़ा है 100 रुपए का। तो इसके डब्बे में सिर्फ आपको ये मिलता है, ये छोटा सा मेरे हाथ के साइज का सेल्फी स्टिक है। तो इसकी हाइट को हम सिर्फ इतना ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और ऊपर से दिक्कत ये है, इसमें इसने खाया पिया भी कम है, मतलब ये कमजोर है काफी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फोन का वजन हैवी है तो आप यहाँ पे लगा के जब टाइट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैंने यहाँ से टाइट कर दिया फुल टाइट, उसके बाद भी हमारा फोन यहाँ से ऐसे टिल्ट हो सकता है। यानी कि आप बाहर अगर वीडियो बना रहे हैं, क्राउड है, भीड़ है, तो वहां पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, पर फिर भी कहीं इमरजेंसी में तो काम आएगा ही। तो दोस्तों, ये दोनों सेल्फी स्टिक में ये फर्क है कि इसको आप बैग में रख के ले जा सकते हैं और इसको आप पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं। और चौथी चीज है मेरे पास एक ट्राइपॉड जो है सिंपेक्स का VCT899RM मॉडल, जिसको भी मैंने क्या किया, ऑनलाइन नहीं लिया क्योंकि अमेजन, यानी कि अमेजन पे लगभग ये 4100 यानी कि 4100 रुपए का मिल रहा था, और मैंने ऑफलाइन लिया तो मुझे 3600 यानी कि लगभग मुझे 500 रुपए का बचत हो गई। तो कुछ चीजें ऑनलाइन सस्ती मिलती है, कुछ चीजें ऑफलाइन सस्ती मिलती है, तो वहां से मैंने इसको, तो यानी कि मैंने अपने ट्राइपॉड को ऑफलाइन लिया है। ये मैंने पहले ही ले लिया था, लेकिन ये भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। तो दोस्तों, ये वाला जो ट्राइपॉड अभी आपने देखा, ये मैंने पहले ही खरीद लिया था। ये सिंपेक्स का बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ट्राइपॉड है। ये मुझे पड़ गया था 3600 का ट्राइपॉड, और कम बजट में आ जाता है, 500, 1000, 2000, 2500 जितने मर्जी का ले। लेकिन इस ट्राइपॉड में क्या है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म दे रखा है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे बड़ा ही स्मूथ वीडियो शूट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं DSLR भी ले पाऊंगा, और हम और भी अच्छी वीडियोस सिनेमैटिक शॉट देने के लिए मैंने इस ट्राइपॉड को लिया था। तो यहाँ पे काफी स्मूथ है, बैटरी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये है वो चार चीजें, 1, 2, 3 और चौथा जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो है सिंपेक्स का ट्राइपॉड। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये तैयारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।